सो फाइनली रियलमी वालों ने अपने रियलमी 7 एंड नार्जो 20 प्रो के अंदर रियलमी UI 3.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और इस अपडेट को करने के बाद कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही यहाँ पर रियलमी UI 4.0 का काफी सारे न्यू फीचर्स एड हुए हैं, तो उन सभी फीचर्स के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स और बग्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको F.11 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है दोनों ही डिवाइसेस में। और इस अपडेट का जो साइज है 394 MB का है, और ये आपको Realme UI 3.0 के अपडेट के साथ स्टेबल अपडेट जो है देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके सिक्योरिटी पेज की, तो यहाँ पर आपको 5 November 2022 के साथ करंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और उसके ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों जो एप्स ओपनिंग क्लोजिंग है उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर एप्स ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों कोई कोई यूजर को काफी ज्यादा लैगिंग इशू देखने को मिलता था, तो उसको भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों मेरे को अभी तक कोई भी लैगिंग इशू देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एप्स को ओपन क्लोज करते हैं या फिर स्प्लिट स्क्रीन करते हैं, तो कुछ कुछ सिचुएशन में आपको स्क्रीन फ्लैश का प्रॉब्लम देखने को मिलता था, स्क्रीन जो है फ्लैश करने लगता था, तो उसको इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप स्प्लिट स्क्रीन यूज करते हैं या फिर एप्स ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं तो आपको कोई भी फ्लैश स्क्रीन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन ड्रावर के अंदर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन ड्रावर है आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जो कि आपको सिंपल सा ही देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों आप नोटिफिकेशन ड्रावर को एडिट करने के लिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से प्लस माइनस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये ऑप्शन दोस्तों Realme UI 4.0 का है, जिसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आपका जो नोटिफिकेशन ड्रावर में कोई आइकॉन ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप उसमें से हाइड करना चाहते हैं तो आप माइनस करके हाइड कर सकते हैं। तो इस फीचर्स ऑप्शन को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में एप ड्रावर सेटिंग के अंदर आपको कुछ इस टाइप से 4 ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आपको न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है, ऐड एप्स सर्च टू नोटिफिकेशन ड्रावर। जैसे ही इस फीचर्स को ऑन करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन ड्रावर में सर्च ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इस सर्च ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट एप ड्रावर में ले जाता है, जहां से आप अपने एप्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो इस फीचर्स को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड गाइस बात की जाए अगले चेंज की, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके फोन का ब्राइटनेस लो होता है या फिर हाई होता है तो आपको फ्लिकरिंग इशू देखने को मिलता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप अपने फोन का ब्राइटनेस लो करो या फिर हाई करो, आपको कोई भी स्क्रीन फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम शो नहीं होता है, तो इसे भी यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो अगर दोस्तों आप रिसेंट टास्क से कोई सभी एप्स क्लोज करते हैं या क्लियर रिसेंट टास्क वगैरह करते हैं तो आपको उस टाइम पर डिस्प्ले इशू देखने को मिलता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप रिसेंट टास्क से एप्स क्लोज करते हैं या क्लियर रिसेंट टास्क करते हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो यहाँ पर वॉलपेपर के सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं
आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है जो कि पहले नॉर्मली देखने को मिलता था, जिसमें आपको आइकन्स वगैरह देखने को नहीं मिलता था। और अभी दोस्तों ये आइकन्स के साथ इमेज टाइप का देखने को मिलता है। और ये वॉलपेपर इंटरफेस Realme UI 4.0 का इंटरफेस है, जिसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। आपको न्यू लुक देखने को मिलता है। ऊपर में आपको रिसेंट एल्बम और इन्वेंटरी वॉलपेपर का जो सेक्शन है आपको न्यू देखने को मिलता है। बाकी जो लाइव वॉलपेपर, स्टैटिक वॉलपेपर, वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको Realme UI 4.0 का वॉलपेपर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये फीचर्स आपके में नहीं शो हो रहा होगा, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर APK फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो यहाँ पर दोस्तों किसी किसी यूजर को नेटवर्क और वोल्टी का प्रॉब्लम होता था। वोल्टी जो है, नेटवर्क जो है, बार बार अप डाउन होता था, कभी कभी तो पूरा का पूरा ही गायब हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको नेटवर्क और वोल्टी का प्रॉब्लम जो है फिक्स देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर गेम परफॉर्मेंस में पहले से बेटर ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। पहले दोस्तों गेम में बीच बीच में लैगिंग इशू और फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिलता था, तो उसको भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप गेम खेलते हैं, गेम प्ले करते हैं, तो आपको बेटर रिस्पॉन्स के साथ स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है। बट यहाँ पर दोस्तों अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। पहले जो बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम होता था उसको यहाँ पर फिक्स करके बैटरी बैकअप, बैटरी यूजेस को इम्प्रूव किया है, जिससे कि अब आपको बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों जो चार्जिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर आप चार्जिंग करते हैं तो आपको थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों पावर मेनू में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप से सिंपल सा पावर मेनू देखने को मिलता है, जहाँ पर ऊपर के साइड में आपको लॉक स्क्रीन और नीचे के साइड में इमरजेंसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ ही आपको सेंटर में रीस्टार्ट एंड पावर आपका बटन देखने को मिल जाता है। और ये पावर मेनू दोस्तों Realme UI 4.0 या फिर ColorOS 13 का पावर मेनू है, जिसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फाइल मैनेजर या फिर माई फाइल्स के अंदर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से माई फाइल्स देखने को मिलता है, जहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपको डिवाइस स्टोरेज, क्लाउड ड्राइव, साथ ही अगर आप SD कार्ड यूज करते हैं तो उसका भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और नीचे के साइड में फोटोज, वीडियोस, ऑडियोस, डॉक्यूमेंट का छोटा छोटा न्यू आइकन स्टाइल के साथ में देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे नीचे आपको सोर्स और प्राइवेट से फेवरेट, रिसेंट, डिलीटेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये माई फाइल्स दोस्तों ColorOS 13 Realme UI 4.0 का माई फाइल्स है, जिसको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया है। अगर आप ColorOS 13 और Realme UI 4.0 का APK फाइल इंस्टॉल नहीं करते हैं तो भी आपको ये डिफॉल्ट माई फाइल्स एप्स देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों क्लॉक एप्स का। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से न्यू क्लॉक एप्स देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर क्लॉक सर्कल में यहाँ पर शेडोज देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप क्लॉक सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आपको अलार्म को ऑफ करने या अलार्म को स्टॉप करने के लिए आपको गेस्चर मोड देखने को मिलता है, जो कि काफी कूल लुक देखने को मिलता है दोस्तों। और ये क्लॉक एप्स भी Realme UI 4.0 और ColorOS 13 का क्लॉक एप्स है, जिसको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया है। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन कौन से न्यू फीचर्स या बग्स देखने को मिलता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।